सीडीओ संजय कुमार मीणा ने संचारी दस्तक अभियान के कार्यों की विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए कहा कि संचारी रोगों से बचाव के लिए गांव में विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। गांव में आशा घर घर जाकर लोगों को इससे बचाव के बारे में बता रही है कि घरों में साफ सफाई रखें और कहीं पर भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, और गांव में छोटे वाले हैंडपंप है, उस हैंडपंप को लाल रंग से मार कर पानी पीने से मना किया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास विभाग भी इसी तर्ज पर कार्य कर रहा है। गांव में झाड़ियों की कटाई करवा रहा है, नालियों में दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है, सभी गांव में स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था करवाई जा रही है, जिससे कि गांव में इस तरह के रोगों को फैलने से रोका जा सके। इस अवसर पर जीपीआरओ हिमांशु शेखर चाको, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभाग मिलकर के एक समेकित प्रयास करें, और उसमें सर जो है उस समेकित प्रयास में सर यही हुआ कि नगर निगम जो है गाँव में साफ सफाई कराएगा, झाड़ियों की साफ सफाई कराएगा, जहां पर कहीं पर भी पानी एकत्र हो रहे हैं उस पानी को साफ कराएगा, जो नहीं बांट सकते हैं तो उसका ड्रेनेज क्लियर करेंगे, और अगर कहीं पर तालाब है या कुछ और ऐसी चीजें हैं उसमें जो मच्छर रोधी मछलियाँ जो मंगूजिया मछली होती है उसको डालेंगे। इसके साथ साथ सर स्वच्छ पेयजल के लिए और जो छिछली वाले जो छोटे वाले हैंडपम्प सर आते हैं उस हैंडपम्प को हम रेड कलर से मार करके और गांव वालों को या शहरवासियों को पानी पीने से मना करेंगे। इसके साथ साथ सर यही सेम काम पूरा का पूरा काम जो है ग्रामीण क्षेत्र में हमारा ग्राम विकास विभाग करता है, झाड़ियों की कटाई कराता है सर, नालियों में मतलब जो है लार्विसाइडल का स्प्रे कराएंगे, फॉगिंग कराएंगे सर, और गाँव वासियों को जो है जो हैंडपम्प का पानी है स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराएंगे सर। इसके साथ साथ सर कृषि विभाग है जो चूहों को कंट्रोल करने के लिए रोडेंटिसाइड्स का प्रयोग कराते हैं, उनका भी काम यह है कि सर वो नहर के किनारे जो है हमारी जितनी झाड़ियाँ होती हैं उनकी कटाई कराएं, सफाई कराएं, बांध के तट पर जितने होते हैं। और इसके बाद सर जो है प्रमुख रूप से विद्यालयों का काम होता है, ये देखा गया था कि विद्यालय में बच्चे जो होते हैं घर पर अपने अभिभावकों को अधिक प्रभाव डालते हैं, तो उस दृश्य से था कि प्रत्येक विद्यालय में प्रार्थना के समय 10 मिनट का समय एक अध्यापक को ट्रेन करके उस अध्यापक को जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो प्रेयर जो मॉर्निंग होती थी उसके बाद जो है एक संदेश होता था क्या करें क्या ना करें, वो हमारे विभाग की तरफ से बना है। आप धोएं सोच के बाद अपने हाथ को धोएं, हैंडपम्प का पानी पिए, पूरी बांह का कपड़ा पहने, सूर्य समय मच्छरदानी लगाएं, अगर कहीं घरों में अंधेरा है गेरा है सर और ग्रीन टी की जो लेमन ग्रास होती है इसका प्रयोग करिए, ये मच्छर रोधी प्लांट के रूप में। इसी तरह से पशुपालन विभाग का काम ये होता है कि वो गाँव में या उनको प्रेरित कीजिए कि वो सुअर पालन खेल करके कुकुट पालन या मत्स्य पालन और जो अन्य करते हैं, अगर वो सुअर पालन नहीं होते हैं तो अपने सुअर पालन के चारों पर मच्छरदानी दल कर जाते हैं। इसी तरह से सर हमारे न्यू इसमें जो है मीडिया का है, मीडिया जागरूकता जनजागरूकता के लिए है और काफ़ी अवसर विभाग है जो अहम जिम्मेदारी होती है वो दस्तक अभियान के तहत होती है, जिसमें आशाएँ जो है प्रतिदिन जो है 100 से 150 घरों का भ्रमण करती हैं जो सर्च करती हैं, और जिन घरों में पिछली बार मच्छर मिले थे उनको देखती हैं, वो इसकी सूचना एक फॉर्म पर लाइन स्क्रीन करके अपनी ANM को दे देती हैं। ANM जो है वो चिकित्सा अधीक्षक को देते हैं, चिकित्सा अधीक्षक जो है संबंधित ब्लॉक पर जो बैठक करते हैं उनको सूचित कर देते हैं। अगर बुखार का मरीज मिलता है तो 108 और 102 से मरीज को जो है हॉस्पिटल में भेजे जाते हैं, जो हमारे ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल में ETC बने हुए हैं वहाँ पर हमको ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सर समेकित प्रयास है, लेकिन सर ये सारी प्रतिबद्धताएँ हम लोग जो है पढ़ करके करते हैं, लेकिन ये जब तक आपका उस पर नियंत्रण नहीं रहता है तब तक हम लोग इसे पालन करने में असमर्थ होते हैं सर। इसीलिए जो है हम लोग की ये बैठकें आयोजित होती हैं आपके नेतृत्व में, और हम लोग ये रहते हैं कि आपके दिशा निर्देश और आपके अनुशासन से हम लोग इसको कार्यान्वित कर सकते हैं। सर तीन स्तर से होती है, एक स्टेट पर माननीय मुख्यमंत्री जो सी एस की तरफ से होती है, दूसरी जिला स्तर पर राज्य स्तर से होती है, और तीसरी जो है हमारी स्वतंत्र एजेंसियाँ होती हैं सर WHO, BARC और UNICEF।